क्वेश्चन नंबर वन, इसमें हम देखेंगे, इसमें दिया है आपको फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विथ द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 एंड 2। ये आपका रूट थ्री है, रूट थ्री एंड टू, एंड एक कंडीशन और दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स रूट सिक्स। सबसे पहले आप देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए जो है आपका वो दिया है रूट थ्री, एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी दिया है आपका वो दिया है टू। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि आपको देखिए दो वेक्टर दिया है, मान लीजिए वेक्टर ए है ठीक है और वेक्टर बी है ठीक, तो इसके बीच का जो एंगल निकालना है थीटा वो हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब भी आप एंगल निकालोगे एक दूसरे के बीच में तो आपका फॉर्मूला होता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी स्केलर प्रोडक्ट है, मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इस इक्वेशन पे हम पुट करेंगे। अब देखिए ये कंडीशन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप सीधे यहाँ पे रख दीजिए रूट सिक्स इक्वल्स मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स क्या है रूट थ्री इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स आपको टू दिया है एंड कॉस थीटा। तो आप देखोगे यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल्स रूट सिक्स अपॉन रूट थ्री एंड टू। अभी देखिए रूट सिक्स को आप लिख सकते हो रूट टू इंटू रूट थ्री, ठीक है, ये आपका हो गया रूट थ्री, एंड टू को आप लिख सकते हो रूट टू इंटू रूट टू, टू को आप लिख सकते हो, तो रूट टू से रूट टू कैंसिल आउट, रूट थ्री से रूट थ्री, तो आपका बचा क्या वन बाई रूट टू। ठीक है, तो थीटा इनवर्स क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट टू। अब वन अपॉन रूट टू की वैल्यू होती है आपका 45, दैट मीन्स 5/4, 5/4 की, तो आंसर क्या हो गया थीटा इक्वल्स 5/4, यानी इन दोनों के बीच में हमारा कितना एंगल बन रहा था, 5/4 का एंगल बन रहा था। क्वेश्चन नंबर टू, इसमें आप देखोगे आपको दिया है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये आपका वेक्टर दिया है, मान लीजिए कोई वेक्टर है ये, ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आपको दिया है, इनके बीच का एंगल निकालना है, तो आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी एंड कॉस थीटा। ये आप मान लीजिए लेट वेक्टर ए इक्वल्स है आपका आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, ठीक है, एंड वेक्टर बी इक्वल्स मान लीजिए आप थ्री आई माइनस टू जे एंड के। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपको चाहिए, उसके बाद मॉड ऑफ वेक्टर ए चाहिए मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए अगर आप निकालोगे तो अंडर रूट में आ जाएगा आपका, फिर स्केलर क्वांटिटी यानी वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर यहाँ से, ठीक है, तो ये आपका अंडर रूट में हो जाएगा वन प्लस फोर, थ्री थ्री जो नाइन, यानी दैट मीन्स 14 आपका ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिए, ये आपका हो गया थ्री स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, दैट मीन्स सेम आ गया आपका नाइन प्लस फोर प्लस वन, दैट्स मीन 14। देखिए ये पूरा आपका निकल चुका, अब आपको निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, उसके लिए आप थोड़ा समझ लीजिए, जैसे क्या है कि अगर मान लीजिए कोई वेक्टर है, ठीक है, इसी फॉर्मूले में देखिए, अगर ये आपका मान लीजिए आई है, ठीक है, ये मान लीजिए ये आपका एक्स है वाई है जेड है, ये आपका आई है ये है जे
ये है के, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा, ठीक है। तो जब इन दोनों के बीच में आप निकालोगे तो यानी क्या होगा, वेक्टर आई का मॉड, वेक्टर जे का मॉड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कॉस थीटा, थीटा क्या है 90 डिग्री, तो आप देखो कॉस 90 की वैल्यू होता है 0, यानी 0 हो जाएगा, यानी क्या होगा आई डॉट जे इक्वल्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है आपका, आप यहां से आपको थोड़ा समझ में आया होगा, सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए जैसे कहने का मतलब ये मान लीजिए आपका आई है, ये है आपका जे है, और ये है आपका के, ठीक है। इस तरीके से हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। जब आई जे का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आई आई का करोगे तो आपका सेम आएगा, बस यही आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब है अभी आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये निकालना है। और वेक्टर ए क्या है आपका आई माइनस 2j प्लस 3k डॉट वेक्टर बी आपका 3i माइनस 2j प्लस के। देखिए आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आई का आई में, फिर आई का जे में करोगे, फिर आई का के में। तो मैंने आपको बताया था आई जे, देखिए यहाँ पे ये था ना, ये आपका आई है, जे है और के। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा, और कॉस 90 इक्वल 0 होता है, कॉस 90 इक्वल 0। तो आई जे का जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, जे के का मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, के और जे का मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा। लेकिन जब आई का सिर्फ आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा। आपको पता है कि मतलब आई डॉट आई इक्वस जे डॉट जे इक्वस के डॉट के, ठीक है। ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है, बस इसी का हम यूज करेंगे, ठीक है। ये हम इरेज कर देते हैं, तो यहां पर देखिए जब आई का आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, एंड आई आई का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, तो 3 1 जा 3, ठीक है। फिर जब आई जे का करोगे तो 0 हो जाएगा, आई के का करोगे 0 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अब जे का करिए, -2j -2j, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4, और जे स्क्वायर यानी जे डॉट जे 1 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से के का के में होगा, यानी 3 1 जा 3, तो आपका हो गया 3 3 6 प्लस 4 10, ये आपका हो गया। अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका फॉर्मूला क्या था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी एंड कॉस थीटा। अभी इसकी वैल्यू आया है आपको 10, ठीक है। और देखते हैं मॉड ऑफ वेक्टर 14 14 आया है, ठीक है। यानी क्या हो गया, √14 इंटू √14 कॉस थीटा, तो ये आपका हो गया 10। √14, √14 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 14 कॉस थीटा। अभी देखिए कॉस थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, 10 बाई 14। इसे शॉर्ट कर दो आप, 2 से 5 टाइम्स जाएगा, 2 से 7 टाइम्स, दैट्स मीन्स 5 बाई 7। तो सिर्फ थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, थीटा इक्वल्स कॉस इनवर्स 5 बाई 7। इसे एंगल के रूप में नहीं चेंज कर पा रहे हो तो ऐसे ही छोड़ दो, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें आप देखोगे दिया है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। तो लेट सपोज वेक्टर ए इक्वल मान लेते हैं आई माइनस जे, एंड वेक्टर बी इक्वल मान लेते हैं आई प्लस जे। अभी आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी, मतलब
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये वाला ए मान लीजिए, ये वाला बी ऑन वेक्टर बी। तो देखिए ए का बी पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हो तो इसका मतलब वेक्टर ए आपका सेम रहेगा, ओके। तो इसमें देखिए जब आप निकालोगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको वेक्टर ए एज इट इज लेना है और जो वेक्टर बी आप है जिस पे प्रोजेक्शन कर रहे हैं उसका आपको यूनिट वेक्टर लेना है, ठीक है। कहने का मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा जब आप ये कर लोगे तो आपको पता है वेक्टर ए एज इट इज है और वेक्टर बी का जो एक कैप लगा है मतलब यूनिट वेक्टर निकाल लो, इसका मतलब है वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये आपको निकालना है और आपको दोनों दिया हुआ है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो मॉड ऑफ वेक्टर बी अगर निकालोगे यहां से तो क्या हो जाएगा रूट में वन स्क्वायर प्लस वन, क्या हो जाएगा रूट टू। इतना समझ में आया। अब यहां से आप निकाल लो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और वेक्टर ए क्या है आपका आई माइनस जे डॉट आई प्लस जे, तो ये हो जाएगा आपका आई आई का जब मल्टीप्लाई होगा वन एंड ये होगा जे जे का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन, माइनस वन माइनस जीरो। प्रोजेक्शन जो आपका होगा प्रोजेक्शन ये वाला प्रोजेक्शन जो आपका होगा वो आपका क्या है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो वैल्यू आप जब रखोगे तो ऊपर जीरो और नीचे रूट टू आएगा, टोटल मिला के जीरो, यही आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर फोर प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है बस इसमें थोड़ा डाटा अलग है। तो आप मान लीजिए लेट वेक्टर ए इक्वल्स ये वाला ए मान लेते हैं और ये हम बी मान लेते हैं, ठीक है। वेक्टर ए इक्वल्स आई प्लस थ्री जे प्लस सेवन के, ठीक है, एंड वेक्टर बी इक्वल्स सेवन आई माइनस जे प्लस एट के, ठीक है। अभी देखिए क्या कह रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी, तो क्या निकालना है आपका प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो जिस पे प्रोजेक्शन निकालना है उसको यूनिट वेक्टर कर दो और जिसका निकालना है उसे एज इट इज रखो। तो प्रोजेक्शन ए का निकालना है इसे एज इट इज रख दो आप और जिस पे निकाल रहे हैं उसका यूनिट वेक्टर ले लो। तो ये यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट और यूनिट वेक्टर इक्वल्स क्या हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो यहां से हो जाएगा आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो ये इस फॉर्मूले पे आपको रखना है। तो यहां से आपको सिर्फ वेक्टर बी चाहिए तो आप यहां से मॉड ऑफ बी निकाल लीजिए तो हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स अलग जगह निकाल लेते हैं, देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर बी अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट सेवन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन और उसके बाद आपका हो गया वन प्लस सिक्सटी फोर, तो अब देखो फोर्टी नाइन वन फिफ्टी फिफ्टी एंड सिक्सटी वन 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 जीरो एंड फोर दैट्स मीन्स एक सौ चौदह ये आपका आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे, ठीक। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए
डॉट वेक्टर बी अगर आप निकालोगे तो वेक्टर ए क्या है आपका 137, दैट्स मीन आई 137 डॉट वेक्टर बी जो है आपका वो क्या है 7 माइनस 1 8, 7 माइनस 1 एंड 8, ठीक है, 7i माइनस j प्लस 8k ये है। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आई का आई में तो ये हो गया 7, देखिए प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 एंड प्लस 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 7 8 जा 56, तो यहाँ से आपका हो गया 4 बचा प्लस 56, तो ये आपका हो गया 60। तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा आपका, जो था आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो वेक्टर ए बी क्या है आपका 60 एंड मॉड ऑफ वेक्टर ए बी आपका जो आया है 114 रूट्स में, तो ये आपका हो जाएगा रूट में 114, ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आप देखो आपको दिया हुआ है सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, ये तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर ये प्रूफ करना है पहले। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है ऑल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे है और ये तीसरा वाला पहले पे है। तो ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, पहला अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है, इफ अ वेक्टर इज यूनिट वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, इफ वेक्टर ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 1, कहने का मतलब है उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे अगर 1 आएगा तो वेक्टर यूनिट है। तो ये आपका 3 वेक्टर दिया है, अगर तीनों का हम क्या निकालें अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालेंगे अगर उसकी वैल्यू 1 आएगी तो हमारा यूनिट वेक्टर होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो आप वेक्टर ए अगर मान लीजिए पहले वाले को, तो ये आपका क्या है 1/7 2i+3j प्लस 6k, इसे इंडिविजुअल आप लिख लो, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/7i+3/7j+6/7k, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर आप निकाल लो मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो अंडर रूट में हो जाएगा आपका 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 2/7 यानी 4/49, देखिए सबका 7 है तो एलसीएम हम ले ले रहे हैं 7 का स्क्वायर यानी 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 49 आपका नीचे है प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये आपका हो गया 49/49 दैट्स मीन्स 1। तो वेक्टर ए क्या है यूनिट वेक्टर है, ठीक है। सेम इसी तरीके से निकालेंगे वेक्टर बी का, तो वेक्टर बी का भी अगर निकालोगे अगर मॉड आप, ठीक है डायरेक्ट हम निकालने ये आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके निकालना है। तो यहाँ पे आप देखोगे वेक्टर बी का तो 3/7 का स्क्वायर 3/7 का स्क्वायर प्लस -6/7 का स्क्वायर ब्रैकेट में -6/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे 7 का स्क्वायर सब में है यानी 49, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर 9,
सिक्स का स्क्वायर 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36, एंड 2 का स्क्वायर 4, आपका सेम आ गया 49 अपॉन 49, दैट्स मीन्स 1। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। इसमें देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी हमने निकाल लिया, की यूनिट वेक्टर है। वेक्टर सी का लिए देख लीजिए, मॉड ऑफ वेक्टर सी अगर आप निकालोगे तो ये आपका 6/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो ये आपका देखिए हो गया 7 का स्क्वायर यानी 49 सब में है, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9, ऐड करोगे आप 49 अपॉन 49 या 1, यानी तीनों हमारा यूनिट वेक्टर है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है सेकेंड पार्ट, ऑल्सो सो दैट, ऑल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर परपेंडिकुलर कब होगा, जब दोनों का मल्टीप्लाई 0 आता है तो क्या हो जाएगा, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। मतलब इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर ईच अदर देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज जीरो। कहना का मतलब अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम मान ले ए वेक्टर ए है वेक्टर बी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर हम निकाले तो क्या हो जाएगा, तो आई का सिर्फ आई में करेंगे, जे का जे में, के का के में, आई जे का जे के का, मतलब एक दूसरे में करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और सेल्फ में करेंगे तो वही टर्म्स लेंगे, ये मैंने मल्टीप्लाई में आपको बताया है पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2/7 आई का मल्टीप्लाई आई में करेंगे, ये मान लीजिए आपका ए है वेक्टर बी है वेक्टर सी। ठीक है, तो देखिए आई का जब करोगे आप आई में, यानी करोगे आप 3/7 से, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये वाली प्लस और ये भी माइनस माइनस हो गया, यानी 3/7 मल्टीप्लाई 6/7, देखिए ये प्लस और प्लस प्लस हो गया, तो ये आपका हो गया 6/7 इंटू 2/7। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये हो गया 49, ये हो गया 3 × 6/49, सबका 7 स्क्वायर आ रहा है यानी 49 ले लीजिए, 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12, तो ये आपका हो गया यानी 18 − 18/49, दैट्स मीन 0, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। उसी तरीके से B डॉट C निकालोगे आप, तो देखिए B और C का मल्टीप्लाई करिए, यानी 3/7 × 6/7, 3/7 × 6/7, देखिए माइनस प्लस माइनस, 6/7 × 2/7, 6/7 × 2/7, अब देखिए ये प्लस और ये माइनस माइनस, 2/7 × 3/7, तो देखिए 49 सब में आ रहा, यानी 6 × 3 = 18 माइनस 6 × 2 = 12 माइनस 6, यानी 18 − 18/49 या 0/49 = 0।
तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए बी सी आपस में। अब हम देखेंगे सी डॉट ए का, ठीक है, सी और ए का, यानी 6/7 इंटू 2/7। अभी देखिए क्या प्लस और प्लस है, ठीक है, यानी 2/7 इंटू 3/7। अब देखिए माइनस और प्लस माइनस, देखिए 3/7 इंटू 6/7 तो 49 सब में आ जाएगा नीचे, 6 × 12, 3 × 6 एंड 6 × 3 18, यानी क्या हो गया 18 − 18/49, दैट्स मीन्स 0/49 = 0। यानी सी और ए भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपको बस ये थोड़ा क्वेश्चन लेन दी था, आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, आप देख रहे हो इसमें क्वेश्चन में दिया है फाइंड द मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालना है, आपको ये कंडीशन और ये दो कंडीशन दिया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल्स 8। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वेक्टर ए का इन दोनों में, फिर इस वेक्टर बी का इन दोनों में। तो ए का ए में करेंगे तो आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर यहाँ पे देखिए प्लस 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 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, अब प्लस माइनस माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल्स 8। यहाँ पे आप देखोगे ये ए बी है और ये बी है, तो आपको प्रॉपर्टी स्केलर प्रोडक्ट का पता है। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है तो उसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे इसमें। तो हो गया आपका वेक्टर वेक्टर डॉट मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। एक क्वालिटी और होती है, आप यहाँ पे देखिए ये दो फॉर्मूला इसमें यूज होंगे, एक तो आपका हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स क्या होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और दूसरा क्या, अगर दो वेक्टर सेम वेक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये दो फॉर्मूला इसमें यूज हो रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, आपका ए स्क्वायर हो गया, अभी हो गया माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये देखिए प्लस में है, पहले बी है तो इसे हम यहाँ से ए लिख सकते हैं ए बी, तो प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और यहाँ पे हो गया माइनस वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर इक्वल्स 8। अभी देखिए ये दोनों सेम है लेकिन प्लस माइनस से ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके। तो अब आपका बचा क्या, वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल्स 8। अभी देखिए एक कंडीशन दिया है वेक्टर ए इक्वल्स 8 ऑफ वेक्टर बी, तो हम यहां से लिख सकते हैं वेक्टर ए का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 एंड वेक्टर बी का स्क्वायर, बस हम यही यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो गया आपका 64 वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल्स 8। तो यहां से आप देखिए 64 है उसमें से एक कम हो जाएगा, तो 63 मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल्स 8, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो आपका हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल्स 8/63, तो हो गया मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स अंडर रूट में 8/63। अब 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2√2, क्योंकि 2 का 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है तो 2 टाइम्स में एक बाहर आ जाएगा। अभी आपका होता है 9 × 7 = 63, तो
ये आपका हो गया, और ये आर थ्री को बाहर निकल जाएगा, यानी हो गया 3√7। ये आपका मॉड ऑफ वी आया है 2√2 3√7। अब आपको निकालना है मॉड ऑफ ए। जब मॉड ऑफ बी आपका आया है 2√2 एंड 3√7 आया है, और आपका देखिए कंडीशन क्या दिया है, मॉड ऑफ ए इक्वल्स 8 मॉड ऑफ बी ये दिया है। अब मॉड ऑफ बी की वैल्यू यहां से रख दो आप, जब बी की वैल्यू आप रखोगे तो 8 इंटू 2√2 3√7, तो 8 2 16 √2 3√7, कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, तो आप बस ऐसे रख दो मॉड ऑफ ए इक्वल्स 16√2 3√7 एंड मॉड ऑफ बी जो आपका आंसर आया है 2√2 3√7, ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नंबर 7, इसमें आप देखो इवैल्यूएट द प्रोडक्ट, ये आपको प्रोडक्ट निकालना है, यानी 3a-5b वेक्टर का डॉट मल्टीप्लाई करना है 2a+7b। तो मल्टीप्लाई कर दो, पहले 3a का इसमें कर दो, फिर 5b का, तो 3a इंटू 2a प्लस 3a इंटू 7b, ठीक है, फिर आएगा माइनस 5b इंटू 2a, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस 5b इंटू 7b, ठीक है। तो यहां से देखिए 3 2 6 a डॉट a प्लस 21 a डॉट b माइनस 10 वेक्टर b डॉट a माइनस 35 वेक्टर b डॉट वेक्टर b, ठीक है। तो यहां पे देखो आप, ये आपका हो गया 6 मॉड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर, ये हो गया प्लस 21 वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस 10 a डॉट b b डॉट a इक्वल्स a डॉट b हो जाएगा, यानी a डॉट b माइनस 35 मॉड ऑफ b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे आप देखो ये हो गया 6 मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ पे 21 ए बी है, यहाँ पे माइनस 10 ए बी है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा आपका प्लस 11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस 35 वेक्टर बी का स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा, इससे ज्यादा छोटा नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आप देखो आपको दिया हुआ है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालना है, मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालना है, यानी आपको निकालना है मॉड ऑफ वेक्टर ए की क्या वैल्यू है एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी की क्या वैल्यू है, ये आपको फाइंड करना है। उसके बाद आप देखो आगे दिया है हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, कह रहा है मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर है मॉड ऑफ वेक्टर बी के, सच दैट द एंगल बिटवीन देम 60 डिग्री, दैट्स मींस थीटा इक्वल्स दिया है 60 डिग्री एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ हाफ, यानी दिया है आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स 1/2। बस फिर रह किया गया क्वेश्चन में, आपको पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स मॉड ऑफ वेक्टर ए
मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, अब वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू आपको हाफ दिया है, और यहां पे देखो वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी आ दिया है, तो ये आपका हो गया मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है। एंड कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो ये हो गया 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर है, कॉस थीटा 60 की वैल्यू क्या है 1/2 1/2, तो 1/2 1/2 दोनों तरफ कैंसिल आउट कर दोगे तो आपका यहां पे बचेगा क्या, यानी आपका बचा मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल्स 1, या हो गया मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स 1, और आप देख रहे हो मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स मॉड ऑफ बी, सो मॉड ऑफ बी इक्वल्स 1, ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मॉड ऑफ एक्स इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए, यानी ए इक्वल्स आपको क्या दिया है यूनिट वेक्टर दिया है, तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी वैल्यू होगी 1, यहां से निकल गया, और आपको ये इक्वेशन दिया है उसमें से आपको ये वाला फाइंड करना, तो आपको दिया है एक्स माइनस ए का डॉट मैग्नीट्यूड एक्स प्लस ए का मैग्नीट्यूड सॉरी इक्वल्स 1, तो अब यहां से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स फिर डॉट मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए, फिर इसका करोगे आप प्लस माइनस माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स, फिर प्लस माइनस माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल्स 12, ठीक। अब यहां पे देखिए दो बार मल्टीप्लाई हुआ है, ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर एक्स का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए, और यहाँ पे ए एक्स है, ये आपका हो गया एक्स डॉट ए, दोनों सेम ही होगा, माइनस वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल्स 12, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, ठीक। तो आपका बचा क्या मॉड ऑफ वेक्टर एक्स का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल्स 12, अब मॉड ऑफ ए इक्वल्स 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो यानी हो गया मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 12। अब यहां पे जब आप निकालोगे तो ये आपका होगा मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर 12 प्लस 1 दैट्स मीन 13, या मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स क्या हो गया रूट 13, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आप देखो क्या कह रहा है, इफ द वेक्टर ए बी एंड सी आर सच दैट ए प्लस लेमडा बी इज द परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी देन द वैल्यू ऑफ लेमडा, तो सबसे पहले आप ए प्लस लेमडा बी निकालेंगे, तो आपको पता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनके जो मल्टीप्लाई होंगे स्केलर प्रोडक्ट होंगे उसकी वैल्यू जीरो होगी, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए उनके दो बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री कॉस थीटा जब 90 होगा तो जीरो हो जाएगा, इसलिए जब दो वेक्टर का मल्टीप्लाई होगा स्केलर मल्टीप्लाई तो उनके वैल्यू जीरो होंगी, यानी क्या होगा ए प्लस लेमडा बी जो आपको ये परपेंडिकुलर है सी पे, यानी डॉट सी इक्वल जीरो मल्टीप्लाई करोगे, तो सबसे पहले ए प्लस लेमडा बी निकाल लिया, ए प्लस लेमडा बी वेक्टर ए है आपका 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस, अब लेमडा का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, लेमडा आई प्लस 2λj प्लस लेमडा के, ठीक है, अब ये ऐड कर लीजिए
इसका स्केलर क्या है, टू अरे माइनस लेमडा, यानी टू माइनस लेमडा आई, ठीक है, ये टू है प्लस टू लेमडा, प्लस टू लेमडा जे, प्लस थ्री प्लस लेमडा के, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है, अब हम सी से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी, तो इस सी से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी ये पूरा मल्टीप्लाई बाय ये, यानी आप लिख लीजिए टू माइनस लेमडा आई प्लस टू प्लस टू लेमडा जे प्लस थ्री प्लस लेमडा के, इसका मल्टीप्लाई करना है आपको सी के साथ, और सी के आपका थ्री आई प्लस जे, तो देखिए आपका आई आई से मल्टीप्लाई होगा जे जे से, तो आई से आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, और ये किसके बराबर है, जीरो के, ठीक है। यहां से आप देखो तो ये आपका होगा आई से करोगे तो थ्री से करोगे तो यानी थ्री टू माइनस लेमडा आई आई वन हो गया। अब जे का टर्म्स है प्लस जे में यहाँ पे क्या है स्केलर वन है, तो आपका क्या हो गया टू प्लस टू लेमडा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्स माइनस थ्री लेमडा प्लस टू लेमडा, तो ये आपका हो गया ये जीरो ये जीरो, सिक्स टू एट माइनस लेमडा, या हो गया लेमडा इक्वस एट, ये आपको निकालना था। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कह रहा है आपसे टू सो दैट मॉड ऑफ वेक्टर ए बी प्लस, ये परपेंडिकुलर है इस पे, और जबकि टू नॉन जीरो वेक्टर है, कहने का मतलब जो वेक्टर ए है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो है, और वेक्टर बी है वो भी डज नॉट इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे आपको दिया हुआ, तो ये इस पे परपेंडिकुलर है तो स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, यानी हो गया आपका, अगर देखेंगे तो ये है आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए, इसके साथ स्केलर प्रोडक्ट करोगे वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए, ये जीरो आएगा, ये दिया है क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, तो देखिए यहाँ पे जब ये वाला मल्टीप्लाई करोगे पहला टर्म्स का, तो मॉड ऑफ ए दोनों में है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है, मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सॉरी वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी, फिर इसका करेंगे इसमें तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए, फिर इसका करोगे तो प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी ए मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस माइनस माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए इक्वल्स जीरो, तो यहां से आप देखोगे ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। अब ये पूरा टर्म्स इससे पूरा कट जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल्स हैं, बचा हमारा क्या मॉड ऑफ बी का स्क्वायर मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, अब ये भी दोनों के बराबर है, तो ये दोनों करोगे तो आप क्या हो जाएगा जीरो, सो जीरो है, तो इसलिए क्या होगा
दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। बस यही आपको निकालना था, ये जीरो यहाँ से हटा दो, ये जीरो आया, मतलब क्या है, यही परपेंडिकुलर हो गया दोनों आपस में। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपसे कह रहा है इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल जीरो एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल आल्सो जीरो, देन व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर बी, मतलब वेक्टर बी के बारे में बताना। तो आपको देखो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल जीरो दिया है, यानी हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल जीरो या मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल जीरो, ओके, मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल जीरो। तो इसका मतलब है सो जो वेक्टर ए है वो क्या है, एक जीरो वेक्टर है, इज द जीरो वेक्टर, ठीक है। इसीलिए जब ए डॉट बी, यहां पे देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल जीरो दिया है, जब वेक्टर ए इक्वल जीरो है, ठीक है, हमने यहां पे प्रूफ किया वेक्टर ए इसका जीरो, सो वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसका मतलब हुआ वेक्टर बी, ठीक है, ये क्या है कि कोई भी वेक्टर है नॉन जीरो वेक्टर है, दैट्स मीन्स वेक्टर बी इज अ नॉन जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर दैट सेटिस्फाइड कंडीशन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स जीरो, कहने का मतलब वेक्टर बी है ये क्या है नॉन जीरो होगा, बस यही आपको बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपसे कह रहा है ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए बी सी इक्वल्स जीरो, फाइंड द वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी सी प्लस सी डॉट ए। देखिए आपका वेक्टर ए अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो वन होगा, इसी तरीके से वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा वन, इसी तरीके से वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा वन, ठीक है। और आपको दिया क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स जीरो दिया है। तो आप जानते हो कि अगर किसी भी मॉड का स्क्वायर हो तो वो दो बार वेक्टर का मल्टीप्लाई होता है, यानी वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का डॉट मल्टीप्लिकल है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है। तो बस आपको इसे मल्टीप्लाई करके रख देना है, ठीक है। तो ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका ए ए, ए से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया आपका ए बी, ये हो गया ए सी, इसी तरह बी से करेंगे आप तो हो गया बी ए प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस बी सी, फिर सी से आप करेंगे तो सी ए प्लस सी बी प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर। तो अब देखो ये मॉड ऑफ और ये इसकी मैग्नीट्यूड जीरो है तो ये जीरो बराबर होगा ये यहाँ पे, तो मॉड अगर जब लोगे आप ए प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो, तो जीरो यहाँ पे रख दिया। तब देखो ये हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, उसके बाद बी लिख लीजिए आप, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर मॉड ऑफ सी का स्क्वायर, ये तीनों हो गया,
तो ए बी है बी ए है दोनों बराबर है, तो टू निकल गया, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये आपका आ गया। अब देखिए आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए वन है, ये आपका हो गया वन, ठीक है, बी का मैग्नीट्यूड वन है और सी का भी मैग्नीट्यूड वन है, तो वन प्लस वन, ठीक है, प्लस आपका टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, तो ये आपका थ्री हो गया, इधर जाएगा तो आपका होगा ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये वन टू थ्री जाएगा तो इधर हो जाएगा माइनस थ्री और ये टू डिवाइड में हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितना हो गई, माइनस थ्री बाई टू। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपसे कह रहा है इफ आइदर वेक्टर ए जीरो और वेक्टर बी जीरो, ठीक है, आइदर ए जीरो या वेक्टर बी जीरो, एंड ए बी इज जीरो, ए डॉट बी इज जीरो, देन बट कन्वर्जन नीड नॉट बी ट्रू जस्टिफाई द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए, पहले आप देख लीजिए, अगर वेक्टर ए जीरो होगा तो ए डॉट बी भी क्या होगा, जीरो होगा, या वेक्टर बी जीरो हो तो भी ये होगा, इन दोनों में से कोई एक जीरो होगा तो ये ट्रू होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो हो, यानी वेक्टर ए वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि वेक्टर ए या तो जीरो या तो बी, उसे हम एग्जांपल देंगे। लेट वेक्टर ए मान सपोज कर लीजिए आपने टू आई प्लस फोर जे प्लस थ्री के, ठीक है, एंड वेक्टर जो बी होगा वो इसका टू टाइम्स कर लीजिएगा, यानी फोर सॉरी थ्री, मतलब यही टर्म्स रहेगा आगे पीछे घूम के, मान लीजिए आप ये मान लीजिए बी हमने क्या मान लिया, थ्री आई प्लस थ्री जे माइनस फोर के, ठीक है, तो अब यहां से देखोगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो आपका हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स प्लस फोर थ्री जा ट्वेल्व एंड थ्री फोर जा ट्वेल्व, ये सिक्स है, छः थ्री अठारह हो जाएगा तभी ना, बारह छः अठारह, सिक्स थ्री जा एटीन, ये आपका जीरो आ गया, ठीक है, तो ए डॉट बी जीरो हो गया, लेकिन जब हम मॉड ऑफ ए निकाल रहे हैं तो आपका आ रहा है टू स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, यानी आ रहा आपका फोर प्लस सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन, ओके, इसी तरीके से देखोगे आप तो ये क्या है, वेक्टर ए जो है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो, यहां से एक कंडीशन फॉलो कर गया कि मतलब वेक्टर अगर अगर ये जीरो है कन्वर्जन, ये जरूरी नहीं है, या तो वेक्टर डज नॉट इक्वल टू जीरो, बी भी डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्या होगा ये नीड नॉट, नीड नॉट, ठीक है, यहाँ पे देखिए डज नॉट इक्वल टू जीरो, सेम वेक्टर बी का भी अगर आप देखोगे जो मॉड निकालोगे तो आपका होगा थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर, यहाँ से तो ये आपका हो गया नाइन प्लस नाइन प्लस 36, तो ये आपका हो गया 54, तो वेक्टर बी भी क्या है डज नॉट इक्वल टू जीरो है, सो कन्वर्जन इज डज कन्वर्जन नीड नॉट बी ट्रू और ए डॉट बी इक्वल्स जीरो।
क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इफ द वर्टेक्स ऑफ ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर, पॉइंट आपको दे दिया है वर्टेक्स और आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। यहाँ पे मिस प्रिंट है, एंगल ए बी सी निकालना है। ए बी सी इज द एंगल, ठीक है, एंगल ए बी सी इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी। जैसे मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि बी ए, अगर ये बी है तो बी से ए एंड और बी से आपको सी, ये थीटा आपको निकालना है और ए बी सी एक कोई ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स दे दिया है। मान लीजिए ए का वर्टेक्स आपका क्या है 1, 2, 3, बी का क्या है -1, 0 एंड 0, सी का है 0, 1 एंड 2, कितना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले आप निकाल लेंगे वेक्टर जो दिया हुआ बी ए, वेक्टर बी ए जो होगा आपका वेक्टर ओ ए माइनस ओ बी, ठीक है। तो यहां से आप निकालोगे ओ ए माइनस ओ बी, यानी आपका ओ ए माइनस ओ बी, ठीक है। तो यहां से आप निकालोगे आपका हो जाएगा ए का जो पॉइंट है यानी 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस 1 आई, ठीक है, प्लस उसी तरीके से जे का देखिए 2 माइनस 0 जे प्लस 3 माइनस 0 के। तो आपका बी ए जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2 आई प्लस 2 जे प्लस 3 के, ये आपका बी ए निकल गया। सेम इसी तरीके से आप निकालोगे बी सी, जो बी सी होगा वेक्टर बी सी ये होगा ओ बी सॉरी ओ सी माइनस ओ बी। तो यहाँ पे देखिए सी में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी हो गया आपका 0 माइनस 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 करेगा तो आप प्लस हो जाएगा प्लस 1 आई प्लस, देखिए 1 माइनस 0 जे प्लस 2 माइनस 0 2 माइनस 0 के। तो आपका हो गया बी सी आई प्लस जे प्लस 2 के। अब आपको दो वेक्टर मिल गया है, अब उसका आपको एंगल निकालना है। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम वेक्टर लिख लेते हैं। जो वेक्टर है हमारा वो क्या है, बी ए जो है 2, 2, 3 है, यानी जो हमारा वेक्टर है बी ए वो क्या है 2i 2j प्लस 3k, 2, 2 है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो बी सी है वो है 1, 1, 2, ठीक है। तो आपका बी सी 1, 1, 2 ये है। तो एंगल आप कैसे निकालते हो, एंगल जब निकालना है तो आपको पता है ना कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, ऐसे निकालते हो। तो उसी तरीके से आप निकालोगे, आप निकालोगे वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी सी फिर मॉड वेक्टर बी ए डॉट मॉड वेक्टर बी सी, उसके बाद होगा कॉस थीटा। तो यहां से आप निकाल लो मॉड बी ए, जब निकालोगे आप तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 4, 4, 8
और 8 और 9 17, ठीक है। सेम इसी तरीके से BC का जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी रूट में 6। देखिए अब आपको सिर्फ ये वाला चाहिए, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, ठीक है। तो वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C अगर आप निकालोगे, वेक्टर BA डॉट वेक्टर BC, तो आई आई का जब मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस जे जे का मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस के के का मल्टीप्लाई होगा तो 6, तो आपका हो गया 10। कितना आया आपका? 10 आया। तो जब आप इसमें पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो आपका होगा 10 इक्वल्स मॉड ऑफ BA रूट 17 इंटू मॉड ऑफ BC रूट 6 कॉस थीटा। तो अब कॉस थीटा इक्वल्स हो जाएगा आपका 10 बाई रूट 17 इंटू रूट 6, या हो जाएगा 10 बाई रूट 17 इंटू 6 या 10 बाई 17 × 6 = 102 102, या थीटा इक्वल्स कॉस इनवर्स 10 बाई रूट 102। ये आपका आंसर है क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आप देखोगे दिया है सो दैट पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। देखिए जब तीन पॉइंट को कोलिनियर आपको प्रूफ करना है तो आप तीनों पॉइंट की कनेक्टिविटी निकालेंगे और उसमें उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और मैग्नीट्यूड से आपका क्या होगा, जो बड़ा वाला मैग्नीट्यूड होगा बाकी वाले दो के इक्वल्स होंगे। जैसे मान लीजिए आपका ये है ए, ए है बी, ए है सी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम मिला लें, ठीक है, ए का पॉइंट जो है आपका 1, 2 एंड 7, बी का पॉइंट है 2, 6, 3 एंड सी का पॉइंट है 3, 10, -1। तो हम निकालेंगे ए से बी, बी से सी एंड सी से आपको गया ए पे, ठीक है। और जो अभी निकाल लीजिए आप, तो पहले हम निकाल लेते हैं ए बी। तो ए बी निकालने के लिए क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है, या बी में से सब्ट्रैक्ट करोगे। तो आप देखिए बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 2 माइनस 2 माइनस 1 आई प्लस उसके बाद 6 माइनस 2 6 माइनस 2 जे, ठीक है, प्लस देखिए उसके बाद क्या, 3 माइनस 7 3 माइनस 7 के। ये आपका हो गया है आई प्लस 4 जे, यहाँ 3 में से 7 जाएगा तो -4 k आएगा। ये आपका ए बी हो गया, ठीक है। तो आप निकाल लो मॉड ऑफ ए बी, चलिए इसे बाद में निकालते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप निकाल लो बी सी, बी सी जो होगा आपका ओ सी माइनस ओ बी, तो ओ सी आपका जो है 3 माइनस 2 3 माइनस 2 आई प्लस 3 माइनस 2 आई प्लस 10 माइनस 6 10 माइनस 6 जे प्लस बी सी है ना -1 -3 के। तो ये आपका हो गया आई
फोर जे, अब माइनस माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर के, ठीक है, सेम इसी तरीके से हम देखेंगे ओ बी ए बी बी सी एंड सी ए निकाल लेंगे सी से ए के बीच में। देखिए सी से ए जा रहा है आपका, यानी ओ ए माइनस ओ सी, ठीक है, तो ओ ए क्या हो गया आपका वन माइनस थ्री, वन माइनस थ्री आई प्लस टू माइनस टेन जे प्लस सेवन माइनस वन है तो प्लस वन हो जाएगा के, तो ये आपका हो गया माइनस टू आई माइनस एट जे प्लस एट के, ये हो गया आपका तीन हो गए। तो सबसे पहले आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, तो नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं यहाँ पे ए बी जो आपका है वन फोर माइनस फोर, तो यानी हो गया आपका ए बी वन फोर जे माइनस फोर के, ठीक है, ए बी हो गया आपका, तो मॉड ऑफ ए बी आपको निकालना है, ठीक है, इसी तरीके से निकाल लीजिए आप, तो मॉड ऑफ ए बी हो गया आपका वन प्लस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, तो ये आपका हो गया थर्टी थ्री। उसी तरीके से बी सी आप देख लीजिए, बी सी आया वन प्लस फोर माइनस फोर सेम है एज इट इज आया है, जो बी सी है आप देखोगे बी सी जो है वो आया है वन यानी आई प्लस आई प्लस फोर जे माइनस फोर के, तो मॉड ऑफ बी सी जब आप निकालोगे तो ये रूट में हो जाएगा, यानी वन प्लस सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन दैट्स मीन थर्टी थ्री। उसके बाद आपका है सी ए माइनस टू माइनस एट और एट, सी ए हो गया आपका सी ए माइनस टू माइनस एट जे प्लस एट के, तो मॉड ऑफ सी ए जब होगा आपका, ठीक है, तो ये वाला देखो आप, ये हो गया आपका फोर अठी अठी चौसठ और सिक्सटी फोर, ठीक, तो ये हो गया अब देखोगे चार चार आठ चार तीन बारह चंद बारह एक तेरह वन थर्टी टू रूट में, ठीक है, वन थर्टी टू रूट में, तो अगर वन थर्टी टू का आप निकालोगे तो हो जाएगा सोलह दो छक्के बारह एंड दो छक्के बारह, फिर दो से करेंगे द्वितीया छः द्वितीया छः, यानी हो गया टू रूट थर्टी थ्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, एक तो आपका क्या है रूट थ्री रूट थर्टी थ्री रूट थर्टी थ्री, और ये आपका है रूट वन थर्टी टू, मतलब इन दोनों का एडिशन आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे ए बी प्लस बी सी यानी हो गया रूट थर्टी थ्री प्लस रूट थर्टी थ्री इक्वल्स क्या हो गया टू रूट थर्टी थ्री, और जो कि किसके बराबर है आपका सी ए के बराबर है, यानी सी ए के बराबर है मॉड में, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इसलिए हेंस द पॉइंट आर कोलिनियर,
आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है सो दैट वर्टेक्स, ये वर्टेक्स दिया है तीन वेक्टर, फॉर्म द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, कह रहा है इस तरीके से आपको दिया है। ठीक है, कोई सा भी मान लीजिए, ए बी सी डी जो भी है। ठीक है, तो आपको इसमें प्रूफ क्या करना कि ये राइट एंगल है। तो जब आप तीन के बीच का निकाल लोगे, ठीक है, यानी बेस परपेंडिकुलर हाइट, तो आप इसमें प्रूफ करोगे जो हाइपोटीनस है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर है, यानी क्या है हाइपोटीनस स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो सेम वही आप निकालो। मान लीजिए आपका ए वेक्टर, ए क्या है 2i, ठीक है, ओ ए मान के चलते, ओ ए यानी 2i माइनस जे प्लस के। ठीक, वेक्टर ओ ए इक्वल्स 2i माइनस जे प्लस के, वेक्टर ओ बी इक्वल्स है हो गया आपका i माइनस 3j माइनस 5k, ओ सी हो गया आपका 3i माइनस 4j माइनस 4k। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, ए बी, ठीक, जो ए बी होगा वो क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, तो ओ बी माइनस ओ ए निकालिए, यानी हो गया आई माइनस 3j माइनस 5k माइनस 2i माइनस जे प्लस के। अब यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 में से जब माइनस 2 जाएगा तो माइनस आई, ठीक है, उसके बाद माइनस 3j और ये प्लस जे यानी माइनस 2j। ठीक है, माइनस 5k माइनस के यानी माइनस 6k, ये हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, मॉड निकाल लीजिए इसी वक्त, मॉड ऑफ ए बी जो होगा आपका अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 का स्क्वायर 36, यानी हो गया 41। ये हो गया, हम बी सी निकालेंगे। अब देखिए बी सी जो हुआ आपका माइनस बी सी है ना, यानी ओ सी माइनस ओ बी। ठीक है, तो ओ सी क्या आपका 3i माइनस 4j माइनस 4k। ठीक है, माइनस ये आपका हो गया ओ बी जो है आई माइनस 3j माइनस 5k। तो सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए 3 में से जब माइनस जाएगा माइनस 1 यानी माइनस सॉरी 4i। ठीक है, उसके बाद माइनस 4j और प्लस 3j यानी माइनस j। ठीक, माइनस j, अब उसके बाद वह है आपका माइनस 4k और माइनस प्लस 5k यानी माइनस 4k प्लस 5k, आपका सिर्फ k बचेगा प्लस के साथ। ठीक है, तो जब आप निकालोगे मॉड ऑफ बी सी, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, मॉड ऑफ बी सी जब निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 1 एंड 1। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 प्लस 1, ये आपका हो गया 18। ठीक है, अब उसके बाद आप निकालोगे ए सी या सी एन, ए सी लिख लेते हैं, तो हो जाएगा ओ सी माइनस ओ ए।
अभी देखिए ओसी क्या है आपका, 3 माइनस 4 माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस 4, माइनस ओ ए निकालना है, ए है आपका 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1 ये आपका है। सब्ट्रैक्ट जब आप करोगे तो 3i माइनस 2i यानी i माइनस 4j प्लस j माइनस 3j माइनस 4k माइनस k माइनस 5k, ये हो गया मॉड ऑफ ac अंडर रूट में 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया आपका 35। ठीक है, थर्टी फाइव बी सी आपका आया है। ओफ, यहाँ पे देखिए एक चीज गलत हो गया है, ओसी माइनस, जब 3i माइनस i करोगे तो 2i होगा आपका, 2i माइनस j, और यहाँ पे प्लस 3j j k। ठीक है, तो ये आपका होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 16, ये आपका होगा √6। तो यहाँ पे देखो आप जो होगा आपका BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, तो BC का स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर प्लस √35 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 6 प्लस 35। ठीक है, ये आपका हो गया 41। ठीक, और ये हो गया आपका रूट में 41 का स्क्वायर, और रूट में 41 क्या है आपका, देखिए रूट में 41 क्या है, AB, यानी ये आपका हो गया मॉड ऑफ AB स्क्वायर, यानी क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए क्या है ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा ए, ये हो गया बी एंड ए सी, इस हिसाब से आप निकाल लोगे। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था।